हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे लैंकाशायर बॉयलर के बारे में। ये क्या होता है, इसका फंक्शन के बारे में समझेंगे। और अगर मैं बात करूँ, ये इट इज़ अ लो प्रेशर बॉयलर। और लो प्रेशर बॉयलर कोक्रोन इज ऑल्सो अ लो प्रेशर बॉयलर, सिंपल वर्टिकल बॉयलर इज ऑल्सो अ लो प्रेशर बॉयलर। तो मैं ऑलरेडी इस पर वीडियो बना के अपलोड कर चुका हूँ, उनको देखिए। आज एक और जो है लो प्रेशर बॉयलर में डिस्कस करूँगा, जिसे हम बोलेंगे लैंकाशायर बॉयलर। तो चलो इसको समझते हैं, देखते हैं। पहले सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को समझते हैं कि ये किस टाइप्स की कैटेगरीज में आता है। ये जो है ये बॉयलर हॉरिजॉन्टल बॉयलर है। अगर मैं बात करूँ कोक्रोन और सिंपल वर्टिकल बॉयलर, वो दोनों बॉयलर जो थे वो वर्टिकल बॉयलर थे, लेकिन इसमें जो है ये हॉरिजॉन्टली जनरली इसमें सब चीज़ें हैं, जैसे ट्यूब वगैरह और सब चीज़ें हॉरिजॉन्टली अरेंजमेंट है। तो इसमें बात करें, इट इज़ अ स्टेशनरी बॉयलर। ये जो है स्टेशनरी बॉयलर है, पोर्टेबल बॉयलर नहीं है। उसके बाद ये फायर ट्यूब बॉयलर है, मतलब अगर हम बात करें जो ट्यूब्स होंगी उसके अंदर फ्लू गैसेस फ्लो होंगे, इंटरनली फायर्ड होगा इसमें, मतलब हम बाहर कंबशन चैम्बर नहीं बनाएंगे, अंदर ही कंबशन चैम्बर होगा और अंदर ही वो फ्लू गैसेस जाएंगी जो कि फायर ट्यूब की मदद से। नेचुरल सर्कुलेशन ऑफ वाटर होगा, यहाँ पर आप कोई सर्कुलेटिंग पंप का यूज़ नहीं करोगे। जो भी वाटर का सर्कुलेशन होगा वो नेचुरली होगा। नेचुरली कैसे होगा, एक तरफ हॉट एक तरफ कोल्ड, तो उनके डिफरेंस से, उनके प्रेशर डिफरेंस से जो फ्लो है वो आगे बढ़ते जाएगा, ठीक है। तो ये जो है इसमें ये दो तीन चीज़ें पॉइंट आपको याद रखना है। इट इज़ अ स्टेशनरी बॉयलर, फायर ट्यूब बॉयलर, इंटरनली फायर्ड बॉयलर, नेचुरल सर्कुलेशन ऑफ वाटर और इट इज़ अ हॉरिजॉन्टल बॉयलर। अगर बात करें कि ये कितनी स्टीम प्रोड्यूस करता है, तो यहाँ पर मैंने इसकी वैल्यू लिख रखी है 8500 kg ऑफ स्टीम पर आवर, ठीक है। तो इतना जो है एक वन आवर में 5500 kg स्टीम प्रोड्यूस करता है। और इसका जो इसको जो डिस्कवर किया है वो किया है सर विलियम फेयरब्रेन ने 1844 में इसको डेवलप किया था। ये जो साइंटिस्ट है इसका नाम है विलियम, तो इसने इसको लैंकाशायर बॉयलर को डेवलप किया था, ठीक है। तो इस बॉयलर में मैंने इसके तीन व्यूज़ यहाँ पर बना के रखे हुए हैं। फ्रंट है एक, एक साइड है और एक आपका टॉप व्यू है। तीनों व्यूज से इसको समझेंगे और अच्छे से इसको इसकी स्टडी करेंगे, है ना। जनरली ये जो बॉयलर्स हैं, डिफरेंट टाइप्स के बॉयलर्स हैं, इनको हम फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं जब हम बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट जो पढ़ते हैं, तो वहाँ पर ये आप लैब में इनको देख सकते हो, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी इनसे बनते हैं बहुत सारे एग्जाम में, तो उसके लिए हम इन चीज़ों को समझेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे, ये जो व्यू है ये मेरा जो फ्रंट वाला व्यू है ना, तो फ्रंट वाले व्यू में मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ साइड से, ये जो बॉयलर होगा ऊपर ये इतना जो भाग है ये भाग हमारा स्टीम के लिए है। यहाँ पर स्टीम जो है वो कलेक्ट होगी। तो बॉयलर में हमेशा जो टॉप सेंटर होता है, जो टॉप लेयर होती है, वो हमारी स्टीम के लिए होती है। उसके बाद इसमें ये बीचों बीच जो है यहाँ पर, यहीं पर आपका एक ट्यूब लगी हुई है जो मैं बोल रहा हूँ फायर ट्यूब। ये पूरी फायर ट्यूब का अरेंजमेंट है जो कि सर्कुलर होगी। और यहीं पर इसी में आपके अंदर जो है फर्नेस बना होगा और यहाँ से फायर गेट है, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या करोगे, कोल डालोगे, यहाँ पे ग्रेट लगे होंगे। ग्रेट क्या करते हैं, उसको कलेक्ट होल्ड करके रखते हैं कोल को, और फिर यहीं से हम फायरिंग इसमें करवा देते हैं। तो फायरिंग आप जैसे ही करवाओगे, यहीं पर फर्नेस बना हुआ है अंदर, जो ट्यूब्स है उसके अंदर ही फर्नेस बना हुआ है एक सेक्शन में। तो यहाँ से जैसे ही आप फायरिंग करवाओगे तो यहाँ पर फ्लू गैसेस बनेंगी, ठीक है। वो फ्लू गैसेस जो है यहाँ से जाएंगी सीधे पाइप से होते हुए, पाइप से होते हुए जाएंगे, तो ये इस टाइप से यहाँ से निकलेंगी। तो इसके बाद फिर मैंने साइड व्यू बनाया है, जैसे ही ये यहाँ से निकलेंगे तो ये साइड व्यू इस टाइप का होगा। साइड व्यू में जो है ये पूरा ये वही है, मतलब जो सर्कुलर ट्यूब मैं बोल रहा था, ठीक है। इस सर्कुलर ट्यूब जो है इसके चारों ओर पानी भरा होगा, है ना। मतलब ये सर्कुलर ट्यूब है, अंदर जो ये देखो ये ट्यूब है, ये वही ट्यूब है, ये अंदर वाली है, ये दोनों ट्यूब, मतलब दो ट्यूब होंगी यहाँ पर इस टाइप से, दो ट्यूब का अरेंजमेंट होगा और दोनों ट्यूब से फ्लू गैसेस ऐसे निकलेंगी और उसके चारों ओर पानी भरा होगा। तो इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, फायर ट्यूब। फायर ट्यूब मतलब अंदर जो ट्यूब है, ट्यूब के अंदर से हम फायरिंग करवाएं, फ्लू गैसेस को निकालें। तो होगा क्या, ये इसका यहाँ पर साइड व्यू है, तो इसमें ये जो सर्कुलर है ये पूरा ये सर्कुलर एरिया है ये वाला, ठीक है। और यहाँ पर ये ट्यूब्स हैं, इस ट्यूब से फ्लू गैसेस निकलेंगे। इसमें ट्यूब दो ट्यूब का यूज़ करते हैं। लैंकाशायर बॉयलर जो होता है इसके अंदर जनरली दो फायर ट्यूब का हम यूज़ करते हैं। तो जैसे ही ये यहाँ से निकलेगा तो नीचे एक चैनल बना हुआ है, उस चैनल में ये जो है ये फ्लू गैसेस जाएंगे। जैसे ही ये फ्लू गैसेस इस चैनल में आएंगी, ये जो चैनल है ये दो चैनल हो रहा है साइड में, लेकिन ये क्लोज रहेंगे। जैसे ही नीचे से ये फ्लू गैसेस जाएंगे तो इसके उस साइड वाले पोर्शन से, इसके पीछे वाले पोर्शन से ये दोनों जो हैं ये खुले होंगे, तो वहाँ से ये गैसेस निकल के ऐसे आ जाएंगे। ये नीचे से जाएगा, नीचे से जाने के बाद नीचे के एरिया को क्या करेगा, गर्म करेगा,
उसको कोल्ड हीट करेगा, उसके बाद फिर जाके वहाँ से इसको नीचे के बंद कर देंगे पीछे की साइड से, और फिर साइड से ये दोनों यहाँ से निकल के आ जाएंगे ताकि इधर के पोर्शन को भी हम हीट कर सकें। तो ये मैंने इसमें साइड व्यू में यहाँ पे दिखा रखा है, ये नीचे से जाएगा फिर साइड से ये ऐसे निकल के आएगा, फिर साइड से नीचे से निकल के फ्लू गैसेस जो है फिर इसको हम जनरली चिमनी जो है चिमनी की मदद से पीछे की साइड जाके निकल के आएगा और लौट के आएगा, फिर इसको चिमनी की मदद से हम जो है एटमॉस्फेयर में छोड़ देंगे फ्लू गैसेस को। तो हम इसमें जनरली जो लैंकाशायर बॉयलर होता है इसके अंदर हम मैक्सिमम हीट का यूज़ करते हैं, मतलब जितनी फ्लू गैसेस हैं उसको हम क्या करते हैं जो ट्यूब है ट्यूब के कॉन्टैक्ट में रखते हैं, जिससे कि जो वाटर है वो और मतलब फास्टर वे में ज़्यादा से ज़्यादा वो हीट का यूज़ कर सके और स्टीम वाटर को स्टीम में कन्वर्ट कर सके। तो ये जो पोर्सन है ये मेरा टॉप व्यू वाला पोर्सन है जहाँ पर ये स्टीम निकल के आ रही है। तो मेन इसमें क्या वर्क है, इसका मेन फंक्शन ये जो है लैंकाशायर बॉयलर होता है ये हॉरिजॉन्टल होता है, मतलब लेंथ वाइज होता है, लेंथ में लंबा होता है जनरली, इस टाइप से लेंथ में होता है लंबा, और एक ट्यूब डली होती है अंदर और ट्यूब से पूरी गैसेस निकलती हैं, उसके चारों ओर पानी भरा होता है, दो ट्यूब्स होती हैं जनरली और उनके चारों ओर पानी भरा होता है, और गैस जैसे ही गैस उसमें से निकलेगी तो उसके चारों ओर जो पानी है उसको गर्म करेगी, फिर उस गैस को हम नीचे लेके आते हैं, नीचे से एक चैनल होता है उस चैनल से नीचे लाके फिर जो पीछे चैनल होता है उससे दो चैनल में लेके जाते हैं, है ना, पहले नीचे चैनल को लेके जाते हैं फिर पीछे जो चैनल होता है उससे लेके जाते हैं, और फिर ऐसे करके हम जो गैस है गैस को लॉन्ग ड्यूरेशन तक उसको उसके अंदर रखते हैं ताकि पूरा कॉन्टैक्ट कर सके हीट का उस ट्यूब के साथ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम जो वाटर है उसको स्टीम में कन्वर्ट कर सकें और उस एनर्जी का हम यूज़ कर सकें। तो ये इसका मेन फंक्शन है। और उसके बाद लास्ट में जब वो निकलता है चिमनी के द्वारा तो चिमनी में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ लगी होती है जिसको हम बोलते हैं डैम्पर। डैम्पर का क्या काम है, द डैम्पर इज फिटेड एट द एंड ऑफ साइट फ्लू टू कंट्रोल द ड्रॉट। ठीक है, ड्रॉट की साइड में लगा होता है जो कि जो चिमनी के साइड में लगा होता है जहाँ की जो फ्लू गैसेस निकल रही हैं उनको स्लो स्लो वे में निकलने देता है, एक फास्टर वे में नहीं निकलने देता। तो ड्रॉट इस टाइप का एक चैनल टाइप की होती है, एक पत्ती टाइप की होती है, ये मेटल की बनी होती है जिसमें हम ऐसे डोर पे लगा देते हैं, यहाँ पे साइड में लग एक इस टाइप से लग जाएगा, एक इस टाइप से लग जाएगा पीछे की साइड या ये आगे की साइड लगा देंगे, और वो पुली के द्वारा उसका अरेंजमेंट होता है ना लोड के द्वारा। द डैम्पर आर ऑपरेट बाय चेन पासिंग ओवर अ पुली ऑन द फ्रंट ऑफ द बॉयलर, है ना, तो पुली वगैरह का अरेंजमेंट होता है और उस पर चेन के द्वारा या रस्सी के द्वारा उस पर वो टंगी हुई होती हैं, जैसे ही उस पर प्रेशर पड़ेगा वो धीरे धीरे करके उसको रिलीज करेंगी। ठीक है, और ये जो बॉयलर होता है इस बॉयलर के अंदर जनरली हम स्प्रिंग लोडेड सेफ्टी वॉल्व का यूज़ करते हैं, जनरली इसमें सभी माउंटिंग्स का यूज़ करेंगे हम, अधिकतर माउंटिंग्स का, जैसे सेफ्टी वॉल्व होगा, स्टीम स्टॉप वॉल्व लगा होगा ऊपर, स्टीम स्पेस होगा यहाँ से आपकी स्टीम की स्पेस दिखती रहेगी, चिमनी लगा होगा, है ना, उसके बाद ब्लो ऑफ कॉक लगा होता है नीचे, एस पिट लगा होगा जहाँ पे एस कलेक्ट होगी उसको निकाल लेंगे। ब्लो ऑफ कॉक का क्या यूज़ है, यहाँ से जो भी मड वगैरह इकट्ठा होगा, है ना, जो भी इम्प्यूरिटीज वगैरह इकट्ठा होगी वो हम नीचे से निकाल लेंगे, ये नीचे वाला बॉटम चैनल है। तो होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, इसको हम लैंकाशायर बॉयलर बोलते हैं और इट इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ बॉयलर जो कि लो प्रेशर बॉयलर के कैटेगरीज में आता है। और ये जो बॉयलर है ये हॉरिजॉन्टल बॉयलर है, मतलब लो प्रेशर बॉयलर के अंदर हॉरिजॉन्टल बॉयलर है जिसे हम लैंकाशायर बॉयलर बोलते हैं। ठीक है, ये फायर ट्यूब बॉयलर है, इंटरनली फायर ट्यूब बॉयलर और नेचुरल सर्कुलेशन ऑफ वाटर होता है। तो इससे रिलेटिव और आप वीडियो देखिए, इसको समझिए, इसमें मेन मेन चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको याद रखना है, क्या ये सब चीज़ें याद रखना है, ये ऊपर के पॉइंट्स हैं, हॉरिजॉन्टल बॉयलर है, उसके बाद कितना स्टीम इससे प्रोड्यूस कर सकते हैं क्वांटिटी, उसके बाद डैम्पर वगैरह का क्या यूज़ है और कौन सा क्या माउंटिंग्स का यूज़ करते हैं, ये क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है वो जनरली, है ना। तो इसमें हम जनरली जो फ्लू गैसेस को लॉन्ग ड्यूरेशन तक चैनल में रखते हैं और उसको एक तरफ से दूसरी तरफ फिर दूसरी तरफ से वहीं उसी डायरेक्शन में वापस लेके आते हैं, जिससे कि हम वाटर को स्टीम में कन्वर्ट कर सकें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जिसमें मैं आपको बताऊंगा हाई प्रेशर बॉयलर के बारे में। इसके अंदर जनरली जो लैंकाशायर बॉयलर है इसके जैसा ही सेम एक और बॉयलर होता है जिस बॉयलर का नाम होता है कॉर्निस बॉयलर। कॉर्निस बॉयलर सेम ऐसा ही होता है लेकिन उसमें यहाँ पर जैसे दो ट्यूब लगी हुई है वैसे ही एक ट्यूब वहाँ पर लगी होती है, तो सेम टू सेम ऐसा ही फंक्शन होता है जिसका नाम होता है कॉर्निस बॉयलर।
कॉर्निश बॉयलर, ठीक है, इसको आप और पढ़ लीजिएगा कॉर्निश बॉयलर को, क्योंकि कॉर्निश बॉयलर में कुछ नहीं होता, सेम ऐसे ही फंक्शन होता है। यहाँ पर दो ट्यूब लगी हुई है, मतलब हमने उसकी ये बोल सकते हो, उसका एडवांस ये बोल सकते हो, तो दो ट्यूब लगा रखी है, वहाँ पे एक ट्यूब लगा रखा है ना, ताकि वो थोड़ा लो प्रोडक्शन के लिए उसका यूज़ करेंगे, इसको हाई प्रोडक्शन के लिए यूज़ करेंगे। लेकिन वहाँ पर अगर ये ट्यूब का डायमीटर ज़्यादा है तो फिर हम सेम बोल सकते हैं कि सेम इसके अंदर भी सेम इतनी ही क्वालिटी ऑफ स्टीम प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, जिसको मैं डिस्कस करूँगा हाई प्रेशर बॉयलर के बारे में। हाई प्रेशर बॉयलर जो टॉपिक है, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और ये आपके सिलेबस में है, जो आपके RGPB के जो सिलेबस है या जो भी अदर स्टेट की जो भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें भी हाई प्रेशर बॉयलर पूछा जाता है। और थर्मल इंजीनियरिंग एंड गैस डायनेमिक्स में जनरली हम हाई प्रेशर बॉयलर को ही डिस्कस करते हैं। हाई प्रेशर बॉयलर जो कि 80 बार से ऊपर जो टेम्परेचर मेंटेन करता है, और टेम्परेचर वो सॉरी प्रेशर मेंटेन करता है, और टेम्परेचर भी उसका 300 से ऊपर डिग्री सेल्सियस के ऊपर रहता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।